जम्मू में अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हो या शालामार हॉस्पिटल जाते हो तो आपको बड़ी सावधानी से जाना होगा, कोई पता नहीं कब आप चोरी का शिकार हो जाओ। और हालांकि यहां से लगातार ये कंप्लेन आती हैं कि मोबाइल चोर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शालामार के अंदर वार्ड्स में घूमते हैं, खुलेआम इमरजेंसी में घूमते हैं, जब उनको मौका लगता है फ़ोन उठा कर ले जाते हैं, उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई चोर पकड़ा गया होगा। ऐसा ही कुछ इन महिलाओं के साथ हुआ जो मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। ये वीडियो आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है, जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर शालामार में किसी भी वहाँ जा रहे हैं, अटेंडेंट बन के जा रहे हैं, पेशेंट बन के जा रहे हैं, आपको सतर्क रहना है। एक बार आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका पर्स वहाँ से चोरी हो गया, वो वापस मिलने वाला नहीं है। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करता हूँ। मैम एग्जैक्टली बताएं क्या हुआ क्या आपके साथ? सर मेरी बेटी बीमार थी, वो 5 तारीख के दिवाली वाले दिन से, तो मैं हॉस्पिटल में उसको लेके आई थी, तो यहाँ पे हमें वार्ड में शिफ्ट किया था, तो यहाँ से कोई 3 वार्ड नंबर 19 से 3 फोन चोरी हुए हैं यहाँ से उसी टाइम। हाँ जी, 6:15 पे चोर ने एंट्री की थी वार्ड में, कि जो 7:45 तक वो तीनों फोन लेके वो निकल चुका था यहाँ से। अच्छा, तो ये आप टाइम कैसे एग्जैक्ट बता सकते हो? जी हमने वो सीसीटीवी फुटेज में देखा था, उसमें चोर साफ दिखाई दे रहा है। हाँ चोर साफ दिखाई दे रहा है उसमें। ये कौन सा हॉस्पिटल है? शालामार। शालामार में। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हमने गए, हमने रिपोर्ट करवाई, 3 फोन थे, रिपोर्ट करवाई हमने वहाँ पे जाके, तो क्या कहते हैं, एक तो जो थे वो बहुत मतलब कि हाइपर थे, कि मतलब कि फोन उनका काफी महंगा था, तो वो कह रहे थे कि कंप्लेन करवाने के लिए, मेरे पास कोई था नहीं यहाँ पे बच्ची के साथ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर जब मेरे पास फैमिली से घर से कोई आया, फिर मैं घर पे लेके गई, मैं बॉक्स वगैरह लेके आई वहाँ से, फिर मैंने भी जाके कंप्लेन वगैरह करवाई, लेकिन उन्होंने, हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा उनसे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें पिक दिया उस चोर की, बट वो भी जब हमने वीडियो पॉज की है तो उसकी पिक जो है वो क्लियर नहीं आई है, और उसमें फोन के पीछे मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा लाइसेंस पड़ा हुआ था, पैसे पड़े हुए थे उसके बीच में। तो आपने उनसे बोला नहीं कि हमें ये सीसीटीवी फुटेज दो ताकि हम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें ताकि उस चोर को पकड़ा जा सके? नहीं नहीं, हम तीनों ने बोला उनको, लेकिन उन्होंने अलो नहीं किया। अलो नहीं किया? चोर को अलो करेंगे वो पकड़ नहीं पाएंगे, ये चीजें अलो नहीं करते ये लोग। ठीक है, बात समझ आती है आपकी। तो उसके बाद अब क्या लगता है कि आपकी बेटी वहाँ पे एडमिट है? जी जी जी। तो फोन कहाँ पे रखे थे? चार्जिंग पे लगाए थे जो, कैसे वो ले गया? चार्जिंग पे नहीं, डॉक्टर आए थे सुबह 6 बजे, उन्होंने कहा है कि बच्चों का पेशेंट जो है, बच्ची मेरी, इसका बीपी चेक करना है। तो 6 बजे हमने बीपी चेक करवाया, पूरी रात हम सोए नहीं थे, उसको मैंने सुलाया, तो उसको सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई, तो वो पता नहीं कब वो पिल्लो से निकल गया मेरा फोन, तो वो आराम से आया, 2 चक्कर लगाए उसने बेड की तरफ मेरी, जब उसने देखा आगे पीछे कोई भी नहीं है, आराम से उसने फोन उठाया और चला गया बाकी, और आया भी चोरी चोरी चोर तरीके से, तो वो लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि या तो यहाँ पे कोई पेशेंट के साथ है वो, तो या किसी का वो पता करने आया हुआ है। भले खुलेआम घूमते हैं ये लोग, डर नहीं होता इनको। शुक्रिया मैम, आपने ये हाईलाइट किया, बाकी लोगों को सतर्क किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हो आप इस बारे में? अगर यहाँ पर ऐसा इदारा है, यहाँ हर शख्स आता है, वहाँ पर उनकी मजबूरी है जाना, वहाँ पर आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, चोर दिन दिहाड़े आते हैं, फ़ोन उठाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई अटेंडेंट है, ऐसा लगता है कोई स्टाफ का मेंबर है, पता नहीं मैं इसको क्या कहूँगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है साहब, एक बिल्डिंग के अंदर चोर को आने से रोकना है। पूरे शहर में चोर को कैसे ढूंढोगे? पूरे शहर में कैसे ढूंढोगे? यहाँ एक बिल्डिंग के अंदर चोर आता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हर हफ्ते में 2-3 केस ऐसे होते होंगे, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आते। इस महिला ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, वो सामने आ गई, ये तस्वीरें आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप एक पर्टिकुलर सरकारी बिल्डिंग से, एक पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ चोर आता है, रोम करता है, ले जाता है, उसको नहीं पकड़ पाते, तो जम्मू शहर की हिफाजत मुझे लगता है बड़े अच्छे से करोगे आप। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।